आज का हमारा नया गेम है पोकेमोन एश जोटो वर्जन। दोस्तों ये उन्होंने ही गेम बनाई है जिन्होंने हमारे दो पार्ट बनाए थे गेम के, पोकेमोन एश कैंटो और पोकेमोन एश ऑरेंज लिंक। दोस्तों अगर आपने नहीं वो अभी तक देखा है सीरीज तो दोस्तों मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में उस आई बटन के भी आप मतलब मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जाइए और इसे देखिए। तो अब हम खेल रहे हैं पोकेमोन एश जोटो वर्जन। दोस्तों ये गेम एश पे मतलब जूटो रीजन पे बेस है जब ऐश गया था। दोस्तों ये गेम पूरी ही है और टेंशन की कोई बात नहीं कि गेम में कोई खराबी होगी वास्ता, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी गेम सही है। तो अब हम आराम से इसे खेल सकते हैं। तो गाइज अब हम अपना करेक्टर चूज कर लेते हैं, वैसे एक बार फीमेल करेक्टर देखते ना, यहाँ पे गर्ल का ऑप्शन आता है ना हमेशा, गर्ल में कौन है, ये तो एशलीना लग रही है। नहीं 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 बॉय लेते हैं। तो नाम तो दोस्तों मैं अपना ही रखने वाला हूँ इस बार, मतलब वो डीसी पॉइंट नहीं रखूँगा क्योंकि इसकी दो सीरीज में मैंने अपना यही नाम रखा था और मैं फाइनली इस फीस का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था यार। मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू अंकित कुमार भाई का जिन्होंने गेम को बनाया है, मुझे आज ही ये पोकेमोन की साइट पर मिली थी ये गेम। तो यार बहुत औसम गेम होने वाली है, मतलब मज़ा बहुत आया क्योंकि ये गेम पूरी होगी क्योंकि इनकी पोकेमोन एश ऑरेंज लीग भी पूरी थी और साथ में पोकेमोन लीग भी पूरी थी। तो मतलब फिलहाल हम एक कोरे से जंगल में हैं। दोस्तों पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है बल्बासोर। सबसे पहले आंसर दिया है बीबा सिंह ने दोस्तों, उसके बाद दिया है एनिमल लवर ने, फिर दिया है ओपी कॉस्मिक ने, फिर दिया है जीएस गेमर ने, फिर दिया है कॉस्मिक गेमर ने। दोस्तों यही वो डी पोकेमोन हार्ड फैन था जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमोन हार्ड फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे। तो क्वेश्चन कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहाँ पे है मतलब सिटी का रास्ता, क्योंकि ये पूरा कोरा जंगल ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे मतलब कुछ है नहीं वैसे। अरे ये क्या है, एक ये तो लेजेंडरी पोकेमोन है ना, मैं नाम भूल गया इसका यार, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। व्हाट्स दैट, अरे वो भाग गया। व्हाट वॉज दैट ब्रो, केयरफुली डाउन। ओहो हम गिर गए, हमें मिली एक पोकीबॉल, चलो कोई बात नहीं है। एक मैं पोकेमोन चेक करते हैं हम लोग कौन कौन से पोकेमोन हैं। तो हमारे पास है किंगलर, मक, चारिजार्ड, स्क्वाटल, बल्बासोर, पिकाचू। ओके तो कहाँ पे है यहाँ की मतलब सिटी का पोकेमोन सेंटर, एक बार पोकेमोन सेंटर में चलते हैं यार। वैसे यार ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, बहुत से भी ज़्यादा अच्छी है ये। ओ नो यार लगता है पोकेमोन सेंटर बंद है और हमें प्रोफेसर की लैब में जाना चाहिए इस रीजन के। ठीक है एक बार प्रोफेसर की लैब चेक कर लेते हैं। तो गाइस यही है प्रोफेसर की लैब, ज़रा इसके अंदर एंट्री करते हैं। अरे एंट्री कैसे करनी है, आई शुड सी फर्स्ट नर्स जॉय, ठीक है इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। तो नर्स जॉय हमें मिल चुकी है, तो ये बता रहे हैं कि स्टार्टेड पोकेमोन ट्रेनर्स के लिए उनकी पोकेमोन चाहिए थे पर डॉक्टर कुछ रिसर्च में बिजी थे और हमारी केयरनेस की वजह से पोकेमोन चोरी हो गए। ओ भाई साहब, तो वो कौन कौन से पोकेमोन थे, सिंडाक्विल मतलब अगला होगा चिकोरिटा, फिर आएगा टोराइल। तो दोस्तों यही वो पहले स्टार्टेड पोकेमोन थे जो जोटो रीजन की जो भी मतलब चोरी हो चुके हैं और इन चोरी के पीछे एक ही चीज़ का नाम रखना है मुझे, टीम रॉकेट, और कोई नहीं टीम रॉकेट के अलावा ही कर सकता है। ओके तो ये प्रोफेसर आ चुके हैं, प्रोफेसर बता रहे कि प्रोफेसर ओक उनके दुश्मन है बहुत पहले के, चलो कोई बात नहीं होंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें रजिस्टर करवाना था पोकेमोन जोटो लीग के लिए, हमें मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले कोई बात नहीं। ऑफिसर जाने को लगता कुछ मिला है क्योंकि फुटप्रिंट्स मिले हैं थीफ के, ठीक है तो हम भी फॉलो करते हैं। वो क्या जंप मारी है, वेट आई विल कम टू, चलो हम चलते हैं देख कर आते हैं कहाँ पे है वो चोर। वो चोर तो पक्का टीम रॉकेट होंगे यार, लिखित में ले लो मुझसे क्योंकि हमारा दुश्मन वही है। एक मिनट यहाँ पे हम आए तो हैं पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई मतलब सीक्रेट जगह है क्या यहाँ पे, नहीं यार कुछ सीक्रेट जगह तो नहीं लग रही है। अब मैं पूरे सीक्वेंट वाइज तो चल रहा हूँ पर कुछ मिल नहीं रहा मुझे कि मेरा टीम रॉकेट आया, चलो बाहर जाके देखते हैं। नहीं अभी भी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या चाहते हैं कि हम बाहर जाएं सीधा, चलो फिर चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें। अरे एक मिनट ये क्या हुआ, ओ टीम रॉकेट यार इनका वही प्रिपेयर फॉर द ट्रबल डबल, वही छोटा नाम है, कुछ नहीं बोला जाता इनके बारे में, इनको तो सीधा मैच में ही देखेंगे हम। तो यार जल्दी मैच शुरू करो ना यार, गो पिकाचू। तो गाइस मैच शुरू हो चुका है,
तो जैसे ही जेम्स अपने मैदान में आ चुके हैं, इनका पहला पोकेमोन होगा आर्बोक और वीजिंग। ओके, हमारे पास क्या होगा, स्क्वाटर और बल्बासोर, नहीं पिकाचू और बल्बासोर। ठीक है, पिकाचू और बल्बासोर में से पिकाचू रख लेते हैं, बल्बासोर को वापस बुला लेते हैं, मतलब बल्बासोर की जरूरत नहीं है हमें, इसकी जगह हम चार्जर ले लेंगे, फायर टाइप पोकेमोन जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो गाइस कहाँ है चार्जर्ड, भाई मैं रन क्यों कर रहा हूँ, थंडर शॉक, चार्जर्ड, 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 पांच लेवल के सारे पोकेमोन अपने, थोड़े से मुझे लगता फाइट वगैरह करके थोड़ा सा अपग्रेड तो करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे फाइटिंग सेक्शन कहाँ पे होगा यार, कहाँ फाइट करवाएंगे इन्हें। बाइट, ज़्यादा कुछ खास अटैक इनको भी नहीं आते, हमें भी एम्बर ही आता है मेरे हिसाब से, एम्बर आता होगा इस पिकाचू को, थंडर शॉक आता है अगर, मतलब सिखाने पड़ेंगे, थंडर शॉक देखा एम्बर ही आता है। तो पहले हमें इसके एक पोकेमोन पर फोकस करना, मुझे लगता है वीजिंग तो मेनली सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही करता है इसका, तो इसमें मतलब हमारे दोनों पोकेमोन घायल हो सकते हैं, घायल क्या पूरे ही जाएंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट में तो पूरे जाते हैं। फिर से स्मोक दिया उसने, ये पॉइजन टाइप अटैक है, इसमें पॉइजन उनका डर भी होता है। चलिए गाइस आर्बोक तो पूरा गया इसका, अब इसका नेक्स्ट पोकेमोन देख लेते हैं कौन सा होगा, लेवल 6 का चार्जर्ड, बिल्कुल ओपी। ओ एम्बर से पूरा गया, ओ भाई सेल्फ डिस्ट्रक्ट जिसका मुझे डर था, पर इसमें वीजिंग भी जाना चाहिए, वीजिंग के दे सॉरी वीजिंग तो जाएगा जाएगा। हाँ इसका ये भी पोकेमोन गया, चार्जर्ड भी गया, इसका लास्ट पोकेमोन का लिकिटंग, अब उसके खिलाफ कौन सा पोकेमोन लें हम, मैं सोच रहा हूँ बल्बासोर ले लेते हैं, बल्बासोर और मक, ये चीज़ देखते हैं एक बार, मक और बल्बासोर, पहले मक को बुलाते हैं फिर बुलाते हैं बल्बासोर को, बल्बासोर 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 बल्बासोर, अरे ऊपर है ना यार, मैं क्या कर जा रहा हूँ, टॉन अटैक और लीच सीट कर देते हैं, जल्दी जाओ, और एक बार फिर से, अरे लीच सीट दोबारा कर दिया मैंने गलती से, इसकी एचपी हम ले रहे हैं, हार्ड अन नहीं पौंड ही करते हैं, अब्जॉर्ब पौंड, वो भाई पूरा गया। तो गाइस यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो जाए, टीम रॉकेट यहीं से उड़ जाएगी, और मतलब हमें पोकेमोन मिल चुके हैं वो सारे, एक बार चलते हैं पोकेमोन सेंटर और चेक करते हैं कि सच में पोकेमोन आ चुके हैं कि नहीं, वैसे अपने पोकेमोन हील भी कराने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि जो घायल है वो तो भी घायल ही होंगे, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पे अभी भी मतलब है फेल्टेड, तो पोकेमोन सेंटर लगता है ओपन तो हो चुका होगा अभी तक, कि हमने इनका काम तो कर दिया है। हाँ गाइस पोकेमोन सेंटर ओपन है, अब ज़रा पोकेमोन हील्ड हो जाए फिर, यार घास में पोकेमोन आ मिल जाए थोड़ा सा, कि मैं थोड़ी ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ यार, थोड़ी सी ट्रेनिंग जो थोड़ा सा लेवल गेन हो जाए, हमारी हेल्थ फुल हो चुकी है पोकेमोन्स की। अब चलते हैं बाहर और एक बार चलते हैं प्रोफेसर की लैब में, क्या सभी पहले ट्रेनर्स को उनका पोकेमोन मिल चुका है कि नहीं, एक बार पूछ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आ चुके हैं प्रोफेसर की लैब में, अब बात कर लेते हैं प्रोफेसर से, गुड लक, हमें बस गुड लक कह रहे हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं कहा इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, गुड लक का है तो अच्छे पोकेमोन ले, जोटरली हार कर आएंगे, क्योंकि हारना तो बनता है अपना, क्योंकि ऐश जोटरली हारा था तो जीतने का भी मतलब बनता ही नहीं है, तो फिर भी मतलब ऐश की गेम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अच्छी होती है इनकी गेम्स का, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा स्टोरी टाइप अच्छा लगता है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि मतलब इस सिटी से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, क्या ऊपर से है, ऊपर से तो हम आए थे, हाँ यार यहाँ से तो हम आए थे, यहाँ से जान देंगे नहीं, रन अटैक, इसमें रन नहीं हो रहा है, मतलब रन अटैक बोल रहा हूँ, रन नहीं हो रहा है इसमें, बी बटन दबा तो रहा हूँ पर रन नहीं हो रहा है, लगता इसमें रन है ही नहीं, मतलब मेनली मुझे लग रहा है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बाद क्या सीन आया था ऐश, मतलब जोटर रीजन में क्या हुआ था ऐश के बाद। आई थिंक आई शुड टेक 4 पोकेमोन्स, ठीक है समझ गया, वो मतलब क्या नाम था, मक और किंगलर जाएंगे पीसी में और बाकी पोकेमोन हम रख लेंगे। तो चलते हैं पोकेमोन सेंटर और वही चीज़ करते हैं जो उन्होंने कहा है। तो पीसी ओपन किया, वहाँ पे वैसे टाउन मैप तो नहीं बना हुआ है, वैसे बना होना चाहिए था पर बना नहीं हुआ है। तो ये हमने पोकेमोन रख दिए हैं पीसी के अंदर। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे अपने लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर, तो भाई चलते हुए अब यहीं की चलेंगे, अब यहाँ पे नहीं रोका हमने, हाँ रूट नंबर 29 रूट, चलो हाँ वैसे जूटर रीजन है तो इतना बड़ा रूट तो होना ही चाहिए। एक मिनट यहाँ पे कौन है, ये मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जो ऐश को मिली थी, जिसको सारे लेटर टाइप पोकेमोन पसंद है, हाँ इसको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं अब ये क्या बोलने वाली है, हमसे मिलेगी क्या,
हाँ हम मिल रहे हैं। इज दैट पिकाचू? अच्छा इसको, इसके येलो स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वैसे मेरा पिकाचू सिरके पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस करो भाई, मैं फाइट करनी तो आ जा, हम फाइट के लिए जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेवल भी गेन करना है। बस यही अपनी कन्वर्सेशन लगी, बड़ी वो लड़की गुस्सा में है क्योंकि हम उसके लट्टा बस का मजाक उड़ा रहे हैं, और साथ में हम बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पता एक्सपीरियंस है ट्रेनर होने का और तुम्हें नहीं है। वो कहते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने मेरी इंसल्ट की है मेरी लैपटॉप बस की, तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। तो हम यूज़ करें 4000, पर पहला बुक में तो पिकाचू ही होगा, स्पीड तेज़ रखेंगे, 4000 को यूज़ करेंगे, ठीक है। टैकल अटैक, एम्बर, फिर दोबारा एम्बर, चलो पिजी आउट हो गया, मतलब पिजी गया इसका। नेक्स्ट बुक में रेड अटैक पूरा जाएगा। अगला बुक में चिकोरीटा, इस पर चिकोरीटा सी मुझे नहीं पता था चिकोरीटा है, हाँ है ना, सिर पर जो बांध के रखी चिकोरीटा के सिर पर, हाँ लैपटॉप बस है नहीं, ग्रास बुक में रखा हुआ है। तो यहाँ से वो चली गई। इट्स वर हार्ड टू लूज, हार्ड था, अरे दोबारा वापस आ गई। विल यू बैटल अगेन? हाँ क्यों नहीं करेंगे। अबे यार फिर से जेसी एंड जेम्स आ गए दोनों के दोनों, क्या चाहते हैं ये? दोबारा फाइट करना चाहते हैं? ये दोबारा मत फाइट करो यार, अभी रुक जाओ ना, देखते हैं क्या होने वाला। उसने बॉल मारी, म्याउ, दैट्स राइट, बल्बस और स्कोटल, आई चूज यू गेट, चलो वो चले गए, थैंक यू फॉर योर हेल्प, वी विल मीट अगेन, बट चलो चलो कोई बात नहीं, बैटल हम बाद में भी कर सकते हैं। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पोकेमोन जोटो रीजन का मतलब एडवेंचर कैसा लगा सब। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।